करने के बाद आफ्टर एंटरिंग द डोमेन द पेज विच गेट्स ओपन, इस पेज को आप होम पेज बोल सकते हो, डैशबोर्ड पेज भी बोल सकते हो या फिर लैंडिंग पेज बोल सकते हो। तो इसका टेक्निकल वर्ड है गाइस लैंडिंग पेज। ये आपका लैंडिंग पेज है या फिर इंडेक्स पेज है या फिर होम पेज है। ओके, तो सिंपली सबसे पहला जो टर्म हमें समझना है कि लैंडिंग पेज या फिर होम पेज या फिर इंडेक्स पेज तो इसका मीनिंग क्या होता है। सिंपली ये फर्स्ट टर्म है गाइस, जो जब भी हम लोग यूआरएल ओपन करेंगे, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, राइट, स्विगी हो गया, तो ये स्विगी के रेस्टोरेंट्स ओपन हो गए। मैं रेस्टोरेंट्स को हटाने का ट्राई करता हूँ, सिर्फ swiggy.com ओपन करता हूँ, स्टिल इट इज गोइंग टू ओपन अ रेस्टोरेंट्स फॉर मी, जो रेस्टोरेंट्स है। सो दिस इज अ डैशबोर्ड पेज या फिर होम पेज या फिर लैंडिंग पेज। बुक माई शो हो गया गाइस, सिंपली बुक माई शो का भी अगर आप देखोगे, दिस इज समथिंग अ डैशबोर्ड पेज या फिर अ होम पेज। जैसे मैंने मेक माई ट्रिप ओपन किया, ये हो गया आपका, यू नो, सिंपली हम इसको URL को रिमूव करते हैं, सिर्फ makemytrip.com रखते हैं, दिस इज योर होम पेज गाइस, ये आपका होम पेज है, राइट, होम पेज या फिर लैंडिंग पेज या फिर आप इसको इंडेक्स पेज बोल सकते हो। टेक्निकल वर्ड इज लैंडिंग पेज, इसको लैंडिंग पेज बोलेंगे या फिर होम पेज बोलेंगे। ओके, सो गाइस अभी अगर कोई लैंडिंग पेज ओपन होता है तो लैंडिंग पेज पे आपको क्या क्या टेस्टिंग करना पड़ सकता है, लेट्स डिस्कस लैंडिंग पेज रिलेटेड। और आज आप जाके गाइस कोई भी एक एप्लीकेशन देख लो, सिर्फ गूगल करना डेमो साइट्स फॉर मैनुअल टेस्टिंग लाइक मैनुअल टेस्टिंग, ऐसे सर्च कर लो गाइज, आपको लिस्ट ऑफ वेबसाइट मिलेगा। तो या फिर डेमो ई कॉमर्स साइट्स आप बोल दो सीधे से, ई कॉमर्स साइट्स फॉर मैनुअल टेस्टिंग, सो आपको बहुत सारे डेमो साइट्स मिल जाएंगे। जैसे ये डेमो क्यू ए, ये बहुत फेमस है, डेमो क्यू ए, ये डेमो क्यू ए अगर आप, या फिर इसी को टूल्स क्यू ए बोलते हैं, तो दिस इज द वेबसाइट गाइस। ओके, ये तो ऑटोमेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे, बट आई थिंक यहाँ पर बुक स्टोर एप्लीकेशन, यू कैन सी हियर, यहाँ पर बुक स्टोर एप्लीकेशन है, ओके, दैट इज नॉट रिलायबल इनफ फिलहाल, ओके जस्ट अ मिनट। सो एक मिनट हम लोग देख लेते हैं, ओके ये ओपन कार्ट करके वेबसाइट जो है, आई डोंट नो ये वर्किंग है क्या, ये भी एक बहुत फेमस वेबसाइट है, ओपन कार्ट डेमो, ओके ओके वर्किंग है आई थिंक, ओपन कार्ट डेमो, ओके गाइस दिस वन ओपन कार्ट। तो हियर स्टोर फ्रंट एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप देखोगे इसका स्टोर फ्रंट और एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हो तो हर एक पेज, होम पेज रिक्वायरमेंट यू कैन सी हियर, राइट, सिस्टम रिक्वायरमेंट, इंस्टॉलेशन, गेटिंग स्टार्टेड, वेयर टू डाउनलोड, राइट, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर देयर आर एन नंबर ऑफ मॉडल्स, उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन गाइस, सिंपली यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी मॉडल एंड सिंपली आपको इसको टेस्ट करना है गाइस। दिस इज अ डेमो साइट और इस डेमो साइट को आप लोग टेस्ट करोगे, सिंपली यू आर गोइंग टू यू नो टेस्ट दिस डेमो साइट, आप इसको डेमो साइट को गाइस सिंपली टेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया ओपन कार्ट गाइस, आपका ओपन कार्ट का ये डेमो वेबसाइट है, यार यू कैन सी ओपन डेमो डॉट ओपन कार्ट, और इस ओपन कार्ट को आप सिंपली टेस्ट कर सकते हो, यू कैन टेस्ट इट, ठीक है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब गाइस ये यूजर का व्यू हो गया, आप सेलर को
या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को टेस्ट करना चाहते हो तो एडमिनिस्ट्रेटर का टेस्टिंग यहाँ से आप परफॉर्म कर सकते हो। बट इसका डेमो डेमो तो ओपन है, इंटरव्यू क्रेडेंशियल्स तो देख लो गाइस, आप क्रेडेंशियल्स वगैरह क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा या फिर समथिंग कुछ यूजर नेम एंड यूजर नेम ही टाइप करके देखते हैं हम लोग। यूजर नेम पहले यहाँ पर ऑरेंज HRM की तरह यहीं पे पासवर्ड क्रेडेंशियल्स वगैरह शो करते थे ये लोग। आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक रिलेटेड टू दिस, बट ठीक है गाइस, ये वाला आप ट्राई कर सकते हो। यू गाइस कैन ट्राई दिस डेमो वेबसाइट। ओके, तो सिंपली ये एक वेबसाइट हो गया। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको। जूस शॉप, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। टू चेकआउट, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है। ओके, जेपेट स्टोर डेमो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है गाइज आपको स्टार्ट करने के लिए। सो देर आर एन नंबर ऑफ वेबसाइट, यू कैन फाइंड इट आउट हियर, आपको मिल जाएंगे जिसपे आप टेस्टिंग कर सकते हो आराम से। कोई भी डोमेन, बहुत सारे अलग अलग डेमो का आपको यहाँ पर रेफरेंस मिल जाएगा। सो टेक इट फॉर योर रेफरेंस एंड स्टार्ट गाइज राइटिंग द टेस्ट केसेस। अगर मैं सिर्फ ये ओपन कार्ट की ही बात करूँ तो ओपन कार्ट, ये वेबसाइट, ये वेब एप्लीकेशन ओपन करने पहले से गाइस डेवलपर ने हमें यूआरएल प्रोवाइड किया। ये यूआरएल प्रोवाइड जैसे ही एंटर करते हैं, ये पेज ओपन हो रहा है, दिस इज योर होम पेज, या फिर ये आपका इंडेक्स पेज, या फिर ये आपका लैंडिंग पेज है। तो ये होम पेज या फिर लैंडिंग पेज या फिर इंडेक्स पेज पे आपको टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई करने हैं और टेस्ट केसेस लिखने हैं। तो सिंपली गाइस इस पेज को देखो, इस पेज को देखने के बाद क्या क्या टेस्ट सिनेरियोज यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले लोगों का टेस्ट सिनेरियो आएगा। एवरीवन यस और नो? यहाँ पर जो लोगों का टेस्ट सिनेरियो है, तो ये लोगों का लाइक होम पेज पे जो लोगो है, इसका टेस्ट सिनेरियो आ गया। सेकंड, आपका सर्च बार, ये जो है सर्च मेन्यू है, सर्च बार है इसका गाइस, इसको, ये आपका मेजर कोर फंक्शनैलिटी है। इसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट केसेस बनेंगे। ओके, तो सर्च मॉड्यूल जो है, सर्च जो गाइस आपका सर्च ऑप्शन अवेलेबल है, सर्च बार है, इसके ऊपर आपके टेस्ट केसेस आ गए। ये सर्च बार एंड सर्च आइकन। ओके, ये जो इंडिकेटर है आपका कार्ट, जिसमें कि कुछ आइटम्स वगैरह सेफ होंगे, तो ये स्पेसिफिकली गाइस ये आपका एक सिनेरियो हो गया। ओके, सिंपली जो अपवर्ड्स गाइज, ये आपका माई अकाउंट है, रजिस्टर एंड लॉग इन, ये जो ऑप्शन है ये आपके सिनेरियोज हो गए। दिस इज माई अकाउंट इज वन मोर सिनेरियो, इसमें रजिस्टर और लॉग इन, ये आपके सब सिनेरियोज हो गए। ओके, देन विश लिस्ट ऑप्शन है, शॉपिंग कार्ट ऑप्शन है, चेकआउट ऑप्शन है। सो दीज आर योर सिनेरियोज यहाँ पर गाइज। देन आपके होम पेज पे, डैशबोर्ड पे आपको हियर करेंसी का ऑप्शन है, कौन सी करेंसी सिलेक्ट करनी है आपको, यूरोस करना है, पाउंड करना है कि डॉलर करना है। सो सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट करेंसी, और वो करेंसी सिलेक्ट करते ही आपका करेंसी के हिसाब से आपके प्रोडक्ट डिस्प्ले होने चाहिए। ओके, देन गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस इज समथिंग, आपके पास ये जो ड्रॉप डाउन्स है आफ्टर द सर्च बार, आपको यहाँ पर मेन होम पेज पे गाइज आपको डैशबोर्ड पे कुछ ड्रॉप डाउन्स मिल रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरीज मिल रहा है। दिस इज प्रोडक्ट कैटेगरी या फिर प्रोडक्ट ड्रॉप डाउन, सिंपल प्रोडक्ट का कैटेगरी ड्रॉप डाउन है। ये कैटेगरी ड्रॉप डाउन के आपके सिनेरियोज आ जाएंगे। एवरीवन, ये कैटेगरी ड्रॉप डाउन का सिनेरियोज यहाँ पर आ जाएगा। इसके ऊपर आप लोग टेस्ट केसेस लिखोगे। ओके, देन गाइज इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं गाइस, एनीवन, ये जो बैनर होता है इसको क्या बोलते हैं, डज एनीवन अवेयर अबाउट दिस? ओके, इसको गाइस हीरो इमेजेस भी बोलते हैं। सो दिस इज योर सेकेंड टर्म, हीरो इमेजेस, या फिर गाइस आपके जो बैनर होंगे, बैनर जो होंगे जो मेन पेज पे गाइज एडवर्टाइजमेंट या फिर जो बैनर आता है आपके होम पेज पे, आपके लैंडिंग पेज पे, जो आपको लेटेस्ट ऑफर्स बताता है, हर एक वेबसाइट पे मिलेगा आपको ये। नो मैटर आपका ये फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है,
हर एक वेब यू नो ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे आपको ये सारी चीजें मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं हीरो इमेजेस, या फिर हम लोग इसको बैनर्स बोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट बैनर, या फिर लेटेस्ट ऑफरिंग बैनर, लेटेस्ट ऑफर्स, या फिर लेटेस्ट ऑफर ऑफरिंग बैनर्स आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। सिंपल टेक्निकल टर्म में इसको आप लेटेस्ट ऑफरिंग बैनर्स बोल सकते हो, या फिर आप इसको हीरो इमेजेस बोल सकते हो, ठीक है। ये एक ऑप्शन है गाइज आपका, दिस इज वन मोर ऑप्शन विच यू हैव। देन गाइज टेस्ट सिनेरियो, गाइज आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग कि आपको करना क्या है। आई एम जस्ट गाइडिंग यू, आपको टेस्ट सिनेरियो लिखने हैं गाइज। हियर यू हैव टू टेक एफर्ट्स फ्रॉम योर एंड, आपको अपने एंड से एफर्ट्स लेने हैं, आपको टेस्ट सिनेरियो के हिसाब से टेस्ट केसेस खुद से लिखना है, तभी तो जाके मुझे पता चलेगा आपको टेस्ट केसेस कितने अच्छे से लिखने आ रहे हैं। ओके ठीक है। तो सिंपली गाइस जो हमने डिस्कस किया था कि ये आपका गाइस ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन रिलेटेड आप टेस्ट केसेस लिखोगे, ये आपके हीरो इमेजेस या फिर बैनर्स जो इसके रिलेटेड आप यू नो सिंपली टेस्ट केसेस लिखोगे। देन फीचर्ड प्रोडक्ट की भी कैटेगरी होती है, मोस्टली होती है गाइस, किसी पे ये फीचर प्रोडक्ट डील्स ऑफ द डे करके लेके आता है, राइट। करंट डील्स या फिर मोस्ट गाइस मोस्ट हैपनिंग थिंग्स जो होंगे आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पे मिल जाएंगे, लाइक दिस जो प्रेजेंट्स गाइस आपको करंटली जो सबसे ज्यादा यू नो व्यूज मिलने वाले मूवीज वगैरह है, या फिर जो भी शोज चल रहे हैं, ये आपको बुक माई शो पे मिलेगा। सेम वे इफ यू गो टू मेक माई ट्रिप, तो मेक माई ट्रिप के रिलेटेड आपको बेस्ट जो ऑफर्स अभी के टाइम पे आपको अवेलेबल है, दिस यू गाइस कैन एक्सेस इट। तो आप इसको फीचर्ड प्रोडक्ट बोलोगे, सिंपल इस कैटेगरी को फीचर्ड प्रोडक्ट कैटेगरी बोलोगे, कि इसमें जो मेजर कैटेगरी आपको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो फीचर्ड कैटेगरी गाइस, ये जो फीचर्ड प्रोडक्ट्स है इसके ऊपर आप लोग टेस्ट सिनेरियोज आइडेंटिफाई करोगे, टेस्ट केसेस लिखोगे गाइस। ओके टेस्ट सिनेरियो टेस्ट केसेस आप लोग लिखोगे। देन आपका गाइस ये लेस यूज होने वाला फंक्शनैलिटी है, बट ठीक है, दिस इज योर फुटर, ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है आपको, दिस इज अ फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन सेक्शन के अंडर डिफरेंट लिंक्स है, जैसे इंफॉर्मेशन टैब है, इसके अंडर आपको अलग अलग लिंक्स मिल रहे हैं। तो ये लिंक्स ये फुटर सेक्शन के ऊपर आपके सिनेरियो आएंगे, और इसमें अलग अलग टेस्ट केसेस आप लोग लिखोगे। ओके एवरीवन, ये रहा आपका मेजरली होम पेज का, होम पेज के टेस्ट सिनेरियोज गाइस, जो मेजॉरिटी टाइम पे आप होम पेज पे या फिर आपके लैंडिंग पेज पे जो टेस्ट सिनेरियोज इम्पॉर्टेंट है, ये टेस्ट सिनेरियोज हमने डिस्कस करे। अभी ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिफर करेगा, याद रखना, बट गाइस व्हेन इट इट कम्स टू ई कॉमर्स एप्लीकेशन, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन में लोगों का सिनेरियो, आप जब होम पेज पे लैंडिंग पेज पे गाइस जैसे ही पहुंचते, होम पेज आपका ओपन होता है, होम पेज पे जो जो लोगों का सिनेरियो है ये एवरी टाइम रहेगा ही रहेगा, नो मैटर आप किस टाइप का एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो। सर्च बार या फिर सर्च मेन्यू वाला जो ऑप्शन है गाइस, सर्च प्रोडक्ट सर्च का जो प्रोडक्ट सर्च बार अवेलेबल है, ये सिनेरियो डेफिनेटली आपके पास अवेलेबल रहेगा। यहाँ पर आप लोग टेस्ट केसेस लिखोगे। एवरीवन आपका जो कैटेगरीज है, प्रोडक्ट कैटेगरीज आपके पास जो अवेलेबल है, ड्रॉप डाउन जो अवेलेबल है, ये डेफिनेटली हर एक एप्लीकेशन पे मिलेगा गाइस। आप नो मैटर आप कहाँ पर जाओ, आपको डेफिनेटली ये कैटेगरीज सब जगह मिलेगी। यू मे गो एनी वेयर गाइस, आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको ये ऑप्शन तो डेफिनेटली मिलने ही वाले हैं। जस्ट अ मिनट, हियर यू कैन सी, आपको ये ऑप्शंस मिलने ही वाले हैं, ठीक है। एवरीवेयर गो यू, नो मैटर गाइज आप कौन सा एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो, यहाँ पर मेन जो आपके कैटेगरीज है, इसके कैटेगरीज ड्रॉप डाउन तो डेफिनेटली प्रेजेंट होता है। सो यू हैव टू राइट डाउन द टेस्ट केसेस ऑन दिस, यू हैव टू राइट डाउन द टेस्ट केसेस ऑन दिस। देन गाइज आपके जो ये हीरो इमेजेस या फिर जो बैनर्स है, इसके रिलेटेड आप लोग सिंपली टेस्ट सिनेरियो लिखोगे।
गॉट इट एवरीवन, गॉट इट। और थोड़ा थोड़ा हम लोग एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। तो देखो, लॉग इन मॉड्यूल, लॉग इन ऑप्शन तो है राइट। बिकेम अ सेलर ये अलग से ऑप्शन है, क्योंकि ये सिंपली ये एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पर अदर सेलर्स विल कम अप ऑन दिस एप्लीकेशन एंड दे विल स्टार्ट सेलिंग देयर प्रोडक्ट बाय रजिस्टरिंग देम सेल्फ ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। वेरी सिंपल, ठीक है। कार्ट ये ऑप्शन हर एक आपको पोर्टल पे मिलेगा। सो गाइस, दीज आर द जनरल सिनेरियोज जो मैं बोल रहा हूँ आपको, इसके ऊपर टेस्ट केसेस लिखने हैं। आई होप यू गाइस कैन डू दिस। एनी क्वेरीज गाइस हियर? डू वी हैव एनी क्वेरीज गाइस? सब लोग है ना प्रेजेंट? कि आजकल ज्यादा रेनफॉल है, नहीं, सब लोग सो गए, ऐसा है क्या? नहीं है ना? ओके नहीं, चलो। टेस्ट केसेस लिखने से मेरा क्वेश्चन सर, यस यस आतिक। टेस्ट केसेस अभी आप बोल रहे लिखने का है, लेकिन किस पर्टिकुलर किस पे लिखने का है? कि आप हमारे मन से कोई भी एक चूज करके कोई उसके भी ऊपर मॉडल लिखना आप चूज कर करो, रहे एवरी डे एक मॉडल चूज करो आतिक, और आगे से लाइक एक हफ्ते तक हम लोग एक एक मॉडल पे टेस्ट केसेस लिखेंगे, ठीक है। सो पिक एनी मॉडल। आज हम हैं। लोग होम पेज डिस्कस कर रहे हैं, तो सर्च बार का आप ले सकते हो, या फिर आप ड्रॉप डाउन का ले सकते हो, ये हीरो इमेजेस का ले सकते हो। क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मोस्ट है ना ये हीरो इमेजेस जो होते हैं बैनर, क्योंकि ये सर्टन ड्यूरेशन में चेंज होते हैं ना। देखा होगा आपने, जैसे सेल चेंज होता है ये चेंज हो जाता है। तो इनको ये जो लेटेस्ट क्या बोलते हैं, सेल जो चलता है, जब सेल्स चलते हैं तब किसी यहाँ पर डिस्काउंट होते हैं कि 30% टू 70% डिस्काउंट, और किसी प्रोडक्ट को ओपन करते तो उसमें 20% ही डिस्काउंट दिखाता है, होता है ना? वो रहेगा आपके साथ, डेफिनेटली वो रहेगा। तो ये जो चीज है इसको प्रॉपरली टेस्ट करना बहुत जरूरी है, कि कौन से प्रोडक्ट सेल के अंडर आएंगे, कौन से प्रोडक्ट सेल के अंडर नहीं आएंगे। जो प्रोडक्ट सेल के ऊपर आएंगे उसको जो लेटेस्ट ऑफरिंग रहेगा, लेटेस्ट जो चीजें चल आपको आप ऑफरिंग पेज पे हीरो इमेजेस जो डिस्प्ले कर रहे हो, यहाँ पर लेटेस्ट ऑफरिंग पे जो आप ऑप्शन दे रहे हो, तो उस टाइप से आपको अपने प्रोडक्ट पे, अपने प्रोडक्ट रिलेटेड आपको वहां पर टेस्ट केसेस लिखना है, कि वो टेस्ट केसेस सेटिस्फाई होना चाहिए। लेट्स से अगर 100 रुपीज का प्रोडक्ट है और आप 20% डिस्काउंट दे रहे हो मिनिमम, तो लेट्स से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 25% का डिस्काउंट है, तो 25 रुपीज आपके मेन जो एग्जैक्ट अमाउंट है, एग्जैक्ट अमाउंट से 25 रुपीज लेस आपको होना चाहिए, ऑटो ऑटो ऑफ होना चाहिए सेल का, राइट। तो ये समथिंग आपको इस रिलेटेड टेस्ट केसेस लिखने हैं। सो विल डिस्कस अबाउट इट, ओके। तो बट जो होम पेज है, लैंडिंग पेज है, कोई भी एक एप्लीकेशन ले लो, लेट्स से आप ओपन कार्ट ले रहे हो, या फिर मैंने लिस्ट ऑफ वेबसाइट आप देखो आप, मैं शायद चाहिए तो आप लोगों को ये साथ ही ये शेयर भी कर देता हूँ। सो किसी भी डेमो वेबसाइट पे करो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग ऐप पे करो, तो एग्जिस्टिंग ऐप पे करने का प्रॉब्लम है कि इसमें आपको इतना टेस्टिंग ऑलरेडी उन लोगों ने किया है कि यहाँ पर बग्स या फिर डिफेक्ट मिलने का चांसेस कम है। बट ये जो डेमो वेबसाइट्स है इन पे आपको डिफेक्ट्स वगैरह मिलने का चांसेस होगा, क्योंकि उन लोगों ने जानबूझ के वहाँ पे डिफेक्ट सीड किया है, ताकि आप डिफेक्ट्स फाइंड आउट कर सको। मेजर प्रायोरिटी यही है यहाँ पर, ओके। ये एक बात याद रखना, ओके। सो जस्ट पिक एनी मॉडल, एवरी डे कोई भी एक मॉडल पिक करो। जैसे आज किसी ने ये प्रोडक्ट ड्रॉप डाउन का किया है, प्रोडक्ट ड्रॉप डाउन में लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कोई भी एक मॉडल है, तो इसके रिलेटेड क्या क्या टेस्ट केसेस आएंगे। जैसे अभी अगर फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे फैशन ऑप्शन है, तो फैशन के अंडर देर आर मल्टीपल लिंक्स, तो ये हर एक लिंक्स के रिलेटेड आपको टेस्ट केस लिखना पड़ता है, याद रखना हर एक लिंक के लिए। और ये लिंक के आगे भी ड्रॉप डाउन रहेगा, तो ये मेन्स मेन्स टॉप वेयर के अंडर भी टी शर्ट है, कैजुअल्स है राइट, फॉर्मल शर्ट्स है, कुर्ताज है राइट, ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर। इफ अगर बॉटम वेयर देखेंगे, जीन्स वगैरह अवेलेबल है राइट, देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल। सेम अगर फुटवेयर है तो फुटवेयर, अगर विमेन सेक्शन में जाते हैं तो सेम वे आपको अलग ऑप्शन मिलेगा, बैक सेक्शन में जाते हैं या फिर किड्स सेक्शन में जाते हैं तो देर आर डिफरेंट ऑप्शन, देर आर डिफरेंट लिंक। तो हर एक मॉडल के लिए जस्ट पिक एनी मॉडल एंड स्टार्ट राइटिंग द टेस्ट केसेस,
नो मैटर आप कैसे कर रहे हो, जस्ट आई नीड टू चेक कि आप लोग कैसे सोच रहे हो और आपका आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है। और यहाँ पर जितना प्रैक्टिस करेंगे इंटरव्यू में हमें इजी जाएगा गाइस। कोई भी मॉडल हमें दे दे, हम लोग आराम से टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, इतना हमें केपेबल बनना है इन नेक्स्ट फ्यू डेज। ये आपका डेली रूटीन रहेगा गाइस, राइटिंग अ टेस्ट केसेस इज गोइंग टू बी योर डेली रूटीन, एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू फॉलो दिस वन। ठीक है, और कोई क्वेरी अतिक, अदर्स अदर्स गाइस, कोई सर क्वेश्चन है? ऑल गुड। गुड, ठीक है। कोई भी एक मॉडल उठाओ, कोई भी एक मॉडल पे आप टेस्ट केस, हम लोग देखेंगे, मैं कुछ सिनेरियो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आज, डेफिनेटली हम लोग करेंगे। जस्ट लेट्स फिनिश अप दिस टर्म्स, जो मेजर टर्म्स आते हैं। तो गाइज लेट मी राइट डाउन हियर। ओके, यहाँ पर हीरो इमेजेस या फिर लेटेस्ट ऑफरिंग बैनर्स आपको डिस्प्ले करेंगे, फिर आपका सर्च सर्च बार या फिर सर्च ऑप्शन होता है। सर्च बार गाइज, ये दिस इज अ ग्लोबल सर्च बार, कोई लोग इसको ग्लोबल सर्च बार बोलते हैं या फिर सर्च बार बोलते हैं। सो हम लोग सर्च बार भी बोल सकते हैं या फिर ग्लोबल सर्च बार बोल सकते हैं। सो लेट मी राइट डाउन अ ग्लोबल सर्च बार। तो ग्लोबल सर्च बार एक टर्म आपको जनरली ई कॉमर्स पोर्टल में या फिर सर्च बार करके आपको ऑप्शन सर्च में नहीं या फिर सर्च बार, ये ऑप्शन आपको डेफिनेटली हर जगह पे देखने मिलेगा। सर्च बार के बाद गाइस सर्च बार के साथ सर्च आइकन भी आता है, तो आई एम नॉट राइटिंग द सर्च आइकन फॉर एन टाइम बिंग। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म आती है, गेस्ट चेकआउट वगैरह भी होता है ना गाइस, समथिंग गेस्ट चेकआउट भी बहुत सारे एप्लीकेशन पे होता है। जैसे अगर मुझे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना है गाइस, सिंपली लेट्स से कि हम लोग क्या ऑर्डर कर लेते हैं गाइस, समथिंग कुछ लेट्स से हमें कैलकुलेटर ओपन कर गाइस, हमें कैलकुलेटर बाय करना है। सो हम गए, हमें लेट्स से हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर बाय करना है। तो अगर मैं ये साइंटिफिक कैलकुलेटर बाय करता हूँ, तो बाय नाउ ऑप्शन पे मैं जाता हूँ, द सून गाइज मैं इस बाय नाउ ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो लॉग इन और साइन अप, या तो मैं लॉग इन करूँ या तो साइन अप करूँ। बट बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइज मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से सर्च कर लेता, जैसे मुझे ये आईफोन करना है, तो ये आईफोन बाय करने पे गाइज जैसे मैं ऐड टू कार्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऐड टू कार्ट मैं कर लेता हूँ, सो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरा कार्ट में ऐड हो गया। हियर यू कैन सी कार्ट ऐड हो गया। अभी जैसे ही मैं कार्ट में जाता हूँ, या तो मैं व्यू कार्ट कर सकता हूँ या तो चेकआउट कर सकता हूँ। लेट मी गो टू द चेकआउट, मैं ये चेकआउट पेज पे आता हूँ। हियर यू कैन सी चेकआउट पे गाइस, या तो मैं लॉग इन कर सकता हूँ इफ यू हैव ऑलरेडी अकाउंट, या फिर आप अपने डिटेल्स डिटेल्स एंटर करो। डिटेल्स एंटर करके जस्ट सिंपली सिंपली गाइस कंफर्म योर ऑर्डर एंड प्लेस द ऑर्डर, राइट। तो कहीं कहीं पे आपको चेकआउट का ऑप्शन मिल जाता है, डायरेक्ट चेकआउट का ऑप्शन मिल जाता है। हियर इफ यू कैन सी डायरेक्ट चेकआउट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, राइट। तो दिस विल बी देयर ऑन योर होम पेज, आपको ग्लोबल सर्च बार, ग्लोबल सर्च के बार के साथ आपको चेकआउट चेकआउट पे, ओके चेकआउट पेज पे बाद में जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं गाइस। ठीक है, फिलहाल और क्या हो सकता है, और क्या हमें डिस्कस करना है? जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये सर्च बार हो गया, ये आपका गाइस ये आपका कार्ट हो गया। सिंपली कार्ट फंक्शनैलिटी भी होती है, राइट। आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हो तो कार्ट के अंडर इंडिकेट करता है, ओके। तो दैट इज कार्ट, या फिर शॉपिंग कार्ट मैं बोल देता हूँ इसको, शॉपिंग कार्ट आपको ऑप्शन मिलेगा, शॉपिंग कार्ट एक ऑप्शन मिलेगा इसको। ये एक आपका सिनेरियो हो गया, ये जनरलाइज टर्म है शॉपिंग कार्ट, ठीक है। शॉपिंग कार्ट के बाद गाइस अगर कोई प्रोडक्ट आप जैसे ही शॉपिंग कार्ट के अंडर ऐड करते हो, तो ये पर्टिकुलर शॉपिंग कार्ट पॉपअप होता है, या फिर उसका कुछ ऑप्शन आता है, या फिर आपको एक कोई जनरलाइज जनरलाइज वे में गाइस आपको सिंपली सिंपली कार्ट के अंडर आपका प्रोडक्ट शो करेगा। इनसाइड द कार्ट आप देखोगे बहुत बार, तो आपको आपने जो प्रोडक्ट ऐड किया है, ये कार्ट का नोटिफिकेशन, ये जो सारे सिनेरियोज है गाइस यहाँ पर आपके सारे सिनेरियोज आ जाएंगे, ओके। सो दिस इज समथिंग, आपको शॉपिंग कार्ट रिलेटेड टेस्ट केसेस लिखने हैं, सिनेरियो आइडेंटिफाई करना है, टेस्ट केसेस लिखने हैं, ओके। शॉपिंग कार्ट के बाद आपका लॉगिन लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन,
लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन वाला एक ऑप्शन रहेगा, ये भी आपका सिंपली गाइस, ये भी आपका एक वन ऑफ द टेस्ट सिनेरियो जिसको आप अच्छे से टेस्ट करना ट्राई करोगे एवरीवन, ठीक है, लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन पेज। और क्या हो जाएगा लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन के बाद, हीरो इमेजेस हो गए, कैटेगरीज हो गए, एंड गाइस फुटर सेक्शन जो आपको मिलेगा, मैं फिलहाल इतने ही डिस्कस करते हैं हम लोग, फुटर सेक्शन। ओके, सो ये फुटर सेक्शन एक आपका सिनेरियो हो गया। सो दीज आर द जनरलाइज टर्म, और भी बहुत सारे होते हैं राइट गाइज। यहाँ पर आपका एड टू कार्ट होता है, विश लिस्ट ऑप्शन होता है, कोई प्रोडक्ट आप विश लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो ना, देर इज ऑप्शन कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को विश लिस्ट में ऐड कर सकते हो। लेट से मैं ओपन कार्ट पे जाता हूँ, लेट से हियर कोई प्रोडक्ट है, इसको मुझे विश लिस्ट में ऐड करना है, तो देर इज ऑप्शन कि विश लिस्ट में ऐड करूँ, ठीक है, या फिर मैं कंपेयर करूँ, ये भी ऑप्शन है। तो विश लिस्ट में जैसे ही मैं ऐड करता हूँ गाइस, हियर यू कैन सी आपको नोटिफिकेशन आया कि ये प्रोडक्ट विश लिस्ट में ऐड हो गया, ठीक है। तो बट यहाँ पर विश लिस्ट में शो, ओके, विश लिस्ट में गई, देखो इसने बहुत लेट उसने विश लिस्ट को सिंपली नोटिफाई किया, बट अगर मुझे विश लिस्ट को एक्सेस करना है, डेफिनेटली मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, विदाउट अ लॉग इन आपका विश लिस्ट काम ही नहीं करेगा, करेक्ट एवरीवन। तो ये आपका सिनेरियो रहेगा, ये सिनेरियो के लिए आप लोग टेस्ट केसेस लिखोगे। अगेन दिस इज गोइंग टू बी योर वन ऑफ द टेस्ट सिनेरियो। शॉपिंग कार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया है राइट। सो दीज आर द जनरल सिनेरियोज गाइज जो आज हमने, ये तो आपको पता है, मैं ज्यादा इसके ऊपर आपको कुछ डिस्कस करने जैसा है नहीं, तो ये स्ट्रेट अवे या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आप लोग टेस्ट केसेस लिखोगे। ओके, क्लियर एवरीवन। आज हम लोग एक सिनेरियो लेते हैं कि जैसे मैं एक सर्च कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ऑर्डरिंग अ प्रोडक्ट, ग्लोबल सर्च बार का टेस्ट सिनेरियो है। ग्लोबल सर्च बार के साथ, इसी के साथ गाइस बहुत सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो सकती है। तो व्हेन इट कम्स टू गाइस, कोई भी अगर मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर इस ग्लोबल सर्च में मैंने सर्च किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च किया रेडमी, ठीक है, रेडमी, मुझे रेडमी के मोबाइल सर्च करने हैं, तो मैंने सर्च कर लिया रेडमी, तो रेडमी रिलेटेड सारे फ़ोन की लिस्टिंग मेरे पास आ गई। तो जैसे यहाँ पर पेजेस जो अवेलेबल है, 1 of 24 पेजेस है, और टोटल रिजल्ट्स अवेलेबल है 608, विच कम्स अंडर द रेडमी कैटेगरी, रेडमी मोबाइल कैटेगरी के अंडर 608 रिजल्ट्स है। तो ये 608 रिजल्ट्स आप कैसे शोकेस करोगे, किसी पेज पे गाइस नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके डिस्प्ले करेंगे, जैसे यहाँ पर 25 प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, करेक्ट, आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, नेक्स्ट 25 प्रोडक्ट आपके डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पर आपको 25 प्रोडक्ट ही डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपका टेस्ट सिनेरियो आ जाएगा, सॉरी ये आपका वन ऑफ द टेस्ट केस आ जाएगा, ठीक है। सिंपली गाइस यहाँ से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्लिक करता हूँ मैं, आई एम जस्ट क्लिकिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसको मुझे बाय बाय करना है, तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट गाइस न्यू टैब में ओपन होता है, तो ये न्यू टैब में ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपका टेस्ट केस आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी वन मोर योर टेस्ट केस, ये आपका इसके रिलेटेड आप टेस्ट सिनेरियो और आपके टेस्ट केसेस आ सकते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट गाइस ये जो पर्टिकुलर पेज ओपन हुआ, इस पेज को क्या बोलते हैं, इस पेज को क्या बोलते हैं गाइस, मैंने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक किया, और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का गाइस सिंपली किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर पेज ओपन जो हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पेज को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट पेज। यस, प्रोडक्ट पेज बोलते हैं इसको, या फिर प्रोडक्ट डिटेल पेज बोलते हैं, या फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज बोलते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, या फिर प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज आ जाएगा गाइस। ये इसका टर्म, कोई अलग अलग टर्म यूज होता है, प्रोडक्ट डिटेल्स पेज या फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज आप बोलोगे। अभी इस प्रोडक्ट सर डिटेल्स, पहले वाला पेज फिर क्या बोलेंगे? इससे पहला जो ये वाला था, इट इज समथिंग आपका रिजल्ट्स पेज रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ सर्च किया था राइट,
लेट्स से यहाँ पर आपने आईफोन सर्च किया था, सो ये आईफोन से रिलेटेड दीज आर द रिजल्ट्स, राइट, रिजल्ट्स या फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज बोल सकते हो, सिंपली प्रोडक्ट का लिस्टिंग है, बट सिंपली ये आपका टेस्ट केस, ये अलग पेज नहीं भी आप बोलोगे तो भी चल सकता है क्योंकि आपने सर्च बार में सर्च किया था और इसी के रिलेटेड आपको ये सर्च रिजल्ट अपियर होना स्टार्ट हुआ था, राइट, ठीक है, सर्च रिजल्ट्स आप बोल सकते हो, सर्च रिजल्ट पेज या फिर लिस्टिंग पेज, सर्च लिस्टिंग पेज, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज आप बोल सकते हो, चलेगा, कोई इशू नहीं है, ओके बट ये जब प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे और जो आपका कंप्लीटली प्रोडक्ट ओपन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम टैब में ओपन होता है कि न्यू टैब में ओपन होता है, ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिफर करता है, बट आज के टाइम पे जनरली गाइस अगर आप यू नो वेब एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो तो वेब एप्लीकेशन में आपको दिखेगा प्रोडक्ट डिटेल पेज एक न्यू टैब में ओपन होता है, और वंस योर न्यू टैब इज ओपन, यहाँ पर आपको टेस्ट सिनेरियोज, यहाँ पर आपको टेस्ट सिनेरियोज आइडेंटिफाई करने हैं और यहाँ पर आपको टेस्ट केसेस लिखना जरूरी है, जरूरी है गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गाइस यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको इमेजेस का थंबनेल्स दिखेगा, दीज आर नथिंग बट द इमेजेस थंबनेल, और थंबनेल पे जैसे ही मैं होवर ओवर कर रहा हूँ, मैं क्लिक भी नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे ही माउस होवर ओवर कर रहा हूँ, ये थंबनेल इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, देखो अगेन मैं माउस ओवर ओवर कर रहा हूँ, डीट ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट एनलार्ज इमेज मुझे दिख रहा है, और जैसे ही एनलार्ज इमेज आ रहा है, आपका जो डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, डिटेल जो है, ये डिटेल जो है इसके ऊपर गाइस सिंपली हम बोल सकते हैं उस पेज, उस पर्टिकुलर प्लेस को ओवरराइट कर रहा है, राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये इसके टेस्ट सिनेरियोज आ जाएंगे आपके, आपके प्रोडक्ट का डिटेल्स आ जाएगा, रिव्यूज आ जाएंगे, है ना, रेटिंग्स आ जाएंगे, जो फ्लिपकार्ट अशोर सिंबल वगैरह है, ये तो फ्लिपकार्ट के लिए सिंपली इसको छोड़ दो, आप कितना परसेंट ऑफ दे रहे हो, ऑफ यही पे कैलकुलेट होना चाहिए गाइस, द एक्चुअल अमाउंट वॉज दिस 5 9 सॉरी 9597 का 3% ऑफ मिल रहा है, तो गाइस करके देखना है आपको, ये टेस्ट टेस्ट केसेस है आपका, ओके टेस्ट केस रहेगा आपका, सो जैसे अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ गाइस, सिंपली इसका मुझे कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, तो 9597 है, इसका मुझे माइनस कितना करना है गाइस, माइनस 3%, माइनस 3%, तो दिस इज समथिंग, इसका माइनस आप करते हो तो इतना आ रहा है गाइस, समथिंग यू आर गेटिंग दिस 287 रुपीज, राइट, तो 287 रुपीज आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, और ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है, तब आपको राउंड फिगर करना है तो कैसे करना है, तो अगर मैं सिंपली गाइस सिंपली इतना अमाउंट माइनस कर देता हूँ, इतना अगर मैं माइनस, ये ऑफर अगर मुझे मिलता है तो ये एक्स्ट्रा 328 रुपीज ऑफ कैसे आ रहा है, राइट, प्लस 29 रुपीज सिक्योर्ड पैकेजिंग फीस इसमें ऐड हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर भी कैलकुलेट करके देखनी है, द करंट ऑफर्स जो चल रहे हैं यहाँ पे, करंट ऑफर्स ही रिफ्लेक्ट हो रहे ना, आउटडेटेड ऑफर्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे ना, ये आपको यू नीड टू मेक श्योर दिस वन गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, ई कॉमर्स वेबसाइट टेस्ट करना सबसे डिफिकल्ट टास्क में से एक है, याद रखना गाइस, बैंकिंग प्रोजेक्ट हो गए आपका, ट्रेडिंग प्रोजेक्ट वगैरह हो गया, ये कुछ या फिर आपका हेल्थ केयर डोमेन हो गया, इसके बाद अगर कोई कॉम्प्लेक्स डोमेन आता है तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स डोमेन में से ई कॉमर्स आपका डोमेन इज द कॉम्प्लेक्स वन, क्यों गाइस, सिंपली अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर मुझे कलर्स के ऑप्शन अवेलेबल है, तो जो भी कलर मैं सिलेक्ट करता हूँ गाइस दैट समथिंग, वो कलर वहाँ पे पॉपअप होना चाहिए, और अगर पर्टिकुलर कलर अवेलेबल नहीं है वो ग्रे आउट होना चाहिए, वो डिसेबल होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है, मुझे यहाँ पर वेरिएंट्स मिलने चाहिए गाइस, 4 GB है यहाँ पर, 4 GB ऑप्शन है, 6 GB का ऑप्शन है, तो मैं 6 GB ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, प्राइस चेंज होना चाहिए, सिंपली यहाँ पर 64, यहाँ पर 64 है, 128 GB का स्टोरेज है, मैं 64 GB ले लेता हूँ,
गाइस मेरा प्राइस चेंज होना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। मैं कुछ शूज वगैरह का कैटेगरी अगर मैं बाय कर शूज वगैरह बाय करने जाते हैं हम लोग, तो सिंपली गाइस किसी भी शूज पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट का साइज, जैसे यूके या फिर यूके इंडिया जो साइज है, ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए। जैसे कि मैंने 7 सिलेक्ट किया, तो 7 गाइस 7 कैटेगरी सिलेक्ट होते ही ये सिंपली इसका यूरो मेजरमेंट यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, राइट। देन अगर मैं 8 करता हूँ तो 8 साइज का प्रोडक्ट यहाँ पर मुझे ऑप्शन होना चाहिए। तो गाइस ये तो पर्टिकुलर शूज वगैरह कैटेगरी में आएगा, क्या ये मोबाइल कैटेगरी में सेम आ रहा है क्या? 7 साइज 8 साइज 9 साइज ऐसा कुछ नहीं है, राइट। मोबाइल का जो डिस्क्रिप्शन है 4 GB 6 GB 64 GB 128 GB, जो डेटाबेस में डेटा है गाइस, द सेम डेटा हैज टू बी रिफ्लेक्टेड हियर, एंड बेस्ड अपॉन आप जो सिलेक्शन कर रहे हो आपका प्राइजेस का जो रेंज है ये चेंज होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ योर गाइस टेस्ट सिनेरियोज है, और ये टेस्ट सिनेरियोज के अकॉर्डिंगली 64 GB के लिए आप लोग टेस्ट केस लिखोगे, 120 GB के लिए आप टेस्ट केस लिखोगे। 64 GB में भी 4 GB और 6 GB रैम का वेरिएंट का टेस्ट केसेस लिखोगे, और 128 GB वाले ऑप्शन में भी आप 4 GB 6 GB वेरिएंट वाले टेस्ट केसेस लिखोगे, कलर कॉम्बिनेशन वाले आप लोग टेस्ट केसेस लिखोगे। फिर अगर डिलीवरी करना है तो पिन, वैलिड इनवैलिड पिन के लिए भी आप लोग टेस्ट केसेस लिखोगे। दिस गाइज दिस थिंग्स यू नीड टू राइट डाउन, यू नीड टू यू नो थिंक अबाउट इट। आपको ये सारी चीज़ें करनी है। कोई एक अलग प्रोडक्ट ले लो, शूज़ वगैरह ले लो, इसमें जो साइजेस का ऑप्शन है या फिर चार्ट का ऑप्शन आ रहा है क्या, ये सारी चीज़ें देख लो। तो क्या ये सेम चीज़ गाइस वॉच के साथ होगी क्या? अगर मैं वॉच परचेस करने जाऊँगा, क्या ये सारे ऑप्शन मुझे वॉच के लिए मिलेगा क्या गाइस? कोई भी एक वॉच में सर्च कर रहा हूँ, डेफिनेटली डायल का ऑप्शन मिल जाएगा। यस, तो सोचो क्या चीजें होनी चाहिए, ओके क्या चीजें होनी चाहिए, और एक एक आप अपने हिसाब से गाइस। तो सोचो कि आप सिंपली सर्च बार में एक प्रोडक्ट सर्च करो वॉच, और वॉच रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट ओपन करो, उसमें अगर मैं यहाँ पर कलर ऑप्शंस अवेलेबल है आपको, तो कलर ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए, बाकी डिटेल्ड जो डिस्क्रिप्शन है गाइज वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। आपका दूसरा ऑप्शन डिसेबल होना चाहिए, बट यहीं पे अगर मैं कोई फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं शर्ट सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स से कैजुअल शर्ट्स है, तो गाइज कोई भी अगर मैं कैजुअल शर्ट सिलेक्ट करने जाता हूँ तो शर्ट ऑप्शन के लिए कलर तो आना ही चाहिए, साइज यहाँ पर चेंज हो जाएगी गाइज, मीडियम लार्ज एक्सेल डबल एक्सेल व्हाटएवर जो साइज है, ठीक है। देन सिंपली ये आपको गाइस ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर आप क्या चीजें करोगे, किस तरीके से आप लोग टेस्ट केसेस लिखोगे। टेक एनी एप्लीकेशन गाइस एंड दिस हैज टू बी कवर्ड अप, ये आपको कवर करना है, सारी चीजें आपको कवर अप करनी है। एनी क्वेरीज एनीवन? रवि? यस आतिक। ऊपर जब हम अभी जो फ्लिपकार्ट ओपन किया है तो किसी भी एक पर्टिकुलर को अगर सर्च करेंगे ना तो एक नया टैब ओपन होता है, उसके उसके अंदर वो उसको शो करता है। अभी ऊपर देखिए आपके वो जो सर्च बार के ऊपर है वो ओपन हो गए इतने सारे फ्लिपकार्ट। करेक्ट करेक्ट। हाँ तो ये ऐसा क्यों होता है मतलब? ये जनरली क्या होता है ना, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आजकल के, चलो लेट मी सिंपली क्लोज दिस ऑल, ठीक है। अगर मैं कोई भी ये सिंपली पहले क्या होता था ना, पहले यही पे होता था, आप हम ऑलमोस्ट सब लोग सेम जनरेशन को बिलोंग करते हैं, तो हम लोग पहले इसी शर्ट पे क्लिक करते थे, ये शर्ट का डिस्क्रिप्शन यही पे मिल जाता था, राइट, सेम पेज में। बट द प्रॉब्लम वॉज कि ये पेज यहाँ पर देखो इतने सारे फिल्टर्स है, इतने सारे यूजर को ऑप्शन अवेलेबल है, तो सिंपली ये वेबसाइट को प्रॉपरली मैनेज करना इन लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जा रहा था कि, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन, अभी देखो जैसे ही क्लिक करते हैं हम लोग ये न्यू टैब में क्यों ओपन होता है, क्योंकि यूजर ने सिंपली एक पर्टिकुलर यू नो प्रोडक्ट पे क्लिक किया, तो इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड इसका मीनिंग ऐसा समझते हैं आजकल हर एक वेबसाइट में, ऐसे ही होता है। क्यों होता है कि
यूजर इज इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो अभी अगर यूजर किसी एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो इसी का डिटेल डिस्क्रिप्शन का एक पेज बनाओगे, क्योंकि पहले ये ऑप्शन नहीं आता था एनलार्ज वाला एंड ऑल, राइट? ये अभी अभी आना स्टार्ट हुआ है ना रिसेंट टाइम्स में। तो सिंपली अगर ये आपको डिस्प्ले करवाना है, अगर हम लोग यही पे करवा देते थे तो बाकी के ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ओवरराइड हो जाते थे या फिर हाइड हो जाते थे बैकग्राउंड में। तो ये सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए उन लोगों ने सिंपली एक पर्टिकुलर पेज को, ये पर्टिकुलर पेज, ये देखो ये लिंक जो है ना, इसको आप इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्ट, ये डेफिनेटली एक लिंक रहेगा, लेट मी टेल यू दिस वन, ये एक लिंक रहेगा और इस लिंक में ना ये लोग टारगेट करके एक एलिमेंट सेट करते हैं। सिंपली ये जो कहाँ पे इसका ये इमेज है, दिस इज द इमेज, ये प्रोडक्ट का लिंक कहीं ना कहीं पे होना चाहिए, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे लिंक होगा, आई टेल यू लेटर ऑन। इसमें ना एक टारगेट करके एट्रीब्यूट आता है, टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक, टारगेट इक्वल, ओके दिस वन, कैन यू सी दिस वन, ये एंकर अटैक टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक, ये दिख रहा है दिस वन। ये अगर ब्लैंक के जगह पे, सिंपली ये ब्लैंक के जगह पे अगर मैं अंडरस्कोर सेल्फ रखता हूँ, पहले यहाँ पर ये सेल्फ होता था लाइक दिस, पर अगर मैं ओपन करूंगा नाउ इट गॉट ओपन टू द सेम पेज, राइट? ये न्यू टैब में ओपन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ आर्थिक? द रीजन इज मैंने कोड ऐसा किया, मैंने कोड ऐसा किया, बट जैसे ही अगर मैंने इसको सेल्फ पेज में किया तो जो मेरा प्रीवियस सर्च रिजल्ट था, ये प्रीवियस सर्च रिजल्ट तो पूरा गायब हो गया, करेक्ट? और फिर यूजर क्या करेगा, इसको यूजर को अगर प्रीवियस वाला रिजल्ट चाहिए तो इसको बैक करना पड़ेगा, ये रिजल्ट हट जाएगा, राइट? तो दिस वॉजेंट दैट मच कन्वीनियंस, ये इतना कन्वीनियंट नहीं था। तो सिंपली जो डेवलपर्स थे इनको ये रिजल्ट यूजर के सामने, शायद माइट बी यूजर को दूसरा कोई प्रोडक्ट, जैसे यूजर को ये वाला प्रोडक्ट सर्च करने में इंटरेस्ट हो सकता है, तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट न्यू न्यू टैब में ओपन हो रहा है सिंपली, राइट? दिस इज वॉट एग्जैक्टली हैपनिंग, कि आपको यूजर का कन्वीनियंस देखना था, यूजर एक्सपीरियंस देखना था, तो यूजर के कन्वीनियंस या फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से ये न्यू न्यू अपडेट आते रहेंगे। और ऐसे इस रिलेटेड बहुत सारे रिक्वेस्ट फ्लिपकार्ट के जो यू नो ऐप स्टोर हो गया, आपका प्ले स्टोर हो गया, इसके जो ओपन इसके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इनको टेस्ट करते हैं, इनको यूज करते हैं, वो सजेशन देते रहते हैं कि हम लोग ये चीजें लेके आएंगे और ये न्यू अपडेट वहां पर इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है? सिंपली ये वाला शर्ट अभी न्यू टैब में ओपन नहीं होगा, क्यों? ओके, अभी ये हो गया क्योंकि रिफ्रेश हो गया, ये सिंपली ये पेज रिफ्रेश हो गया, बट थोड़ी देर पहले सिंपली जो मैंने ट्राई किया था दैट वॉज समथिंग, कि ये कहाँ पे था इसका टारगेट लिंक, दिस वन, ये टारगेट फिलहाल ब्लैंक है, राइट? ब्लैंक मतलब एक न्यू ब्लैंक टैब ओपन हो जाता है अपने आप और उसमें आपका ये वाला लिंक, द लिंक जिस पे आपने क्लिक किया, ये लिंक आपका न्यू ब्लैंक टैब में ओपन होगा, इससे यूजर का एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, दिस इज द ओनली रीजन। और ये दूसरे वेबसाइट पे नहीं मिलेगा आपको, ये जनरली सिर्फ ई कॉमर्स पे ही मिलेगा, अदर्स वेबसाइट पे आपको ये ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, ओके? गॉट इट? इसीलिए पूछा, ऐप में ऐसा नहीं होता, राइट? बाकी वाले वेबसाइट पे क्यों नहीं होता? बिकॉज वहां पे मतलब उतने वैरायटी या फिर उतना ऑप्शन नहीं होता, यूजर माइट बी एक ही यू नो जैसे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी अलग सा डिस्क्रिप्शन है, लेट्स से इस पे ऑफ जो मिल रहा है 80% ऑफ मिल रहा है, एंड इफ यू गो एंड इफ यू चेक, शायद मैंने वो क्लोज नहीं करना चाहिए था, लेट्स से मैं ये वाला प्रोडक्ट ओपन करता हूँ और लेट्स से मैं दूसरा कोई ये वाला प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर 74% ऑफ है, ठीक है, यहाँ पर 81% ऑफ है, सो डिफरेंस है इन दोनों में, राइट? सो हर एक पेज का डिटेल डिस्क्रिप्शन उनको देना था, डिटेली डिस्क्रिप्शन देना था, ये यू नो अलग अलग उसके इमेजेस, उसका यू नो एनलार्ज व्यू, ये सारा चीज अगर वो एक ही इसी सेम टैब पे देते, यही पे अगर ओपन हो जाता तो बाकी वाला सर्च रिजल्ट सारा यू नो डिसअपियर हो जाता। तो ये एक्सपीरियंस यूजर का इम्प्रूव करने के लिए हर एक एप्लीकेशन आजकल के टाइम में ट्राई कर रहा है कि एक न्यू टैब अपने आप ओपन हो,
ताकि अगर यूजर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देखना चाहता है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखे, अगर ऑर्डर देना चाहता है ऑर्डर यहीं से प्लेस करे। तो इससे यूजर आपको सिंपली टाइम टू टाइम यूजर का एक्सपीरियंस इंक्रीज करना है, बस दिस इज द ओनली रीजन, और कुछ रीजन नहीं इसके पीछे। ओके ऑलराइट, सो ये ट्राई करो गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज गाइस मैं आपको सिंपली बिफोर आई लेट यू गो, 2 मिनट में एक जैसे हम लोगों ने अलग अलग सिनेरियोस देखे गाइस शर्ट ऑप्शन के लिए, ये साइजेस एंड ऑल, राइट, ये साइजेस ऑन ऑल, इसके कलर जो है अलग अलग कलर्स, अगर मुझे अलग ऑप्शन अवेलेबल है कलर, तो ये कलर मुझे बाय करने का ऑप्शन होना चाहिए। तो एट अ टाइम गाइस मैं अलग अलग कलर्स बाय कर सकता हूँ क्या? कैन आई बाय सेम प्रोडक्ट का अलग अलग कलर्स मैं बाय कर सकता हूँ ना? कर सकता हूँ। ओके, और अगर डिफरेंट साइजेस मुझे बाय करनी है तो वो भी कर सकते, वो भी कर सकते हैं, राइट। तो इसके रिलेटेड आप लोग टेस्ट केसेस लिख सकते हो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। अगर आप ये टेस्ट केसेस लिख लिए गाइस, तो ये वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टेस्ट केसेस है जो आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे कर सकते हो। कैन वी डू दिस एवरीवन? आई जस्ट वांट यू गाइस टू डू इट। कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो जिसमें कलर कॉम्बिनेशन अलग होने चाहिए, एटलीस्ट 2 या फिर 3 ऑप्शन होने चाहिए कलर के। नो मैटर गाइज, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, शर्ट ले लो, टेक एनी थिंग आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, जिसमें साइजेस का ऑप्शन हो और जिसमें, ठीक है फिलहाल इतना ही कर लो गाइज। तो डिफरेंट कलर डिफरेंट साइजेस के प्रोडक्ट आप एट अ टाइम बाय कर सकते हो क्या? और ऐसे भी आप सिनेरियो सोचो कि 3 कलर्स अवेलेबल है, उसमें से एक कलर आउट ऑफ स्टॉक है, तो अगर एक पर्टिकुलर कलर आउट ऑफ स्टॉक है तो क्या वो कलर का ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, क्या आपने यूजर को कहीं पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए? तो दैट समथिंग, उसके रिलेटेड आपको टेस्ट केस लिखना है। लेट्स से अलग अलग ऑप्शन है, तो यूजर ने स्मॉल ऑप्शन किया, ठीक है चल रहा है, एक ही कलर स्मॉल में आ रहा है, बट दूसरा वही सेम कलर लेट्स से लार्ज साइज में अनअवेलेबल है, करंटली अवेलेबल नहीं है, तो सिंपली उस केस में क्या होगा, इस टाइप के टेस्ट केसेस आपको लिखने हैं। अगर आपने ये टेस्ट केसेस लिखे गाइस, ई कॉमर्स डोमेन आप अच्छे से टेस्ट कर पाओगे, क्योंकि ये जो होम पेज है, मुझे पता है होम पेज पे आप आराम से सब लोग बहुत अच्छे से टेस्ट केसेस लिखोगे, देर इज नो इश्यू इन दिस। लोग मिस्टेक करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैंने देखा है लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, और अगर आपने ये कर लिया गाइज इंटरव्यू में, अगर आपको ई कॉमर्स डोमेन का ही कोई कंपनी मिलता है, तो ऐसे टेस्ट केसेस शायद आपको पूछ सकते हैं, और आप इन सारे टेस्ट केसेस के लिए गाइज आप लोग रेडी होने चाहिए, इसीलिए मेरा रीजन यही हम लोगों ने डिस्कस किया।